तो देखे होंगे रबर, मतलब जैसे रबर को घास का उसमें से रस निकाल के इसको रबर बनाते हैं, बहुत सारे चीज़ बनता है इससे। तो मतलब सुखा के जिस टाइम मतलब ये टाइट हो जाता है, यही मशीन से उसको चिपका के पतला करके बहुत कुछ बनाते हैं। देख सकते हैं ये रबर बनाने वाला मशीन। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी का, भाई का, घर का सामने में फ्लावर काफ़ी लगा के रखे हुए हैं और काफी सुंदर है। देख सकते हैं काफी फ्लावर है। फ्लावर का पेड़ देख सकते हैं काफी सुंदर है। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग पहाड़ के काफ़ी ऊपर आया हुआ है। साहब का घर पहाड़ के बहुत ऊपर है और आप देख सकते हैं वहाँ पे जो आपको थोड़ा धुआं सा जैसे छाया हुआ दिख रहा है, उस पर में मेरा पानी है। ये देख सकते हैं थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है और हम लोग पहाड़ के इतना ऊपर है, देख सकते हैं। पे भी कुछ फूल का पेड़ है जो कि फ्लावर है। देख सकते हैं काफी दूर तक फ्लावर का पेड़ है। ये भी एक फ्लावर का पेड़ है और काफ़ी सुंदर है, ट्री का जैसा है, जैसे क्रिसमस ट्री बनाते हैं उस टाइप का फ्लावर है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। तो गाइस देख सकते हैं जैसे ये ओखा का पहाड़, हम लोग अभी मतलब विलेज में आया हुआ है, सो पहाड़ देख सकते हैं और काफ़ी हाइट में है, हम लोग भी ऊपर में हैं और दोनों तरफ मतलब चारों तरफ सबको पहाड़ पहाड़ ही नज़र है। तो ये सांप का ही है, ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो सांप का है और चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहा है। और देख सकते हैं कुछ पेड़ भी है, काफ़ी सुंदर है। तो गैस देख सकते हैं ये आंवला है। पेड़ पे ये पूरा पेड़ में मतलब आंवला ही है और बहुत सारा है, ये बहुत ही काम का चीज़ है। जैसे किसी को खाना हजम नहीं होता है उसके लिए भी वो खा सकता है। देख सकते हैं मतलब इसमें आपको पत्ता कम नज़र आ रहा होगा लेकिन आपको ये ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। चलिए ये धूप के कारण आपको मैं पूरा क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ, फिर भी आपको देखने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। पूरा पत्ता पत्ता पे आपको देख सकते हैं बहुत सारा है। अब पत्ता आपको कम नज़र आ रहा होगा लेकिन आपको आंवला ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। काफ़ी बड़ा गाछ है सो देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे का वीडियो आपको दिखाते हैं, इस वीडियो को मैं यही समाप्त कर। तो कैसे देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी तामुल पेड़ है, तामुल का जो पेड़ है जिसको सुपारी बोलते हैं हिंदी में, वो उसका पेड़ में देख सकते हैं हर जगह में चूना मार के रखा हुआ है, कलर मार के रखे हुए क्योंकि उसको कोई कीड़ा मकोड़ा ना खाए उसके लिए।